स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर का ईवीएस। हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 11 को कंप्लीट किया था, सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12, शेल्टर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, मीन जानवरों का जो घर होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। एनिमल्स डू नॉट लिव इन हाउस लाइक अस। जो जानवर होते हैं ना, जो जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, वो ऐसे घरों में नहीं रहते हैं। द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट और शेल्टर। जहाँ पे मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे जानवर रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट और शेल्टर। होम्स ऑफ लैंड एनिमल्स मीन्स जो ज़मीन पे के जो जानवर हैं, लैंड एनिमल्स, उनके घर के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल द एनिमल्स दैट लिव ऑन द सर्फेस ऑफ लैंड और इन बरोज एंड होल्स अंडर द ग्राउंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। जितने भी जानवर जो होते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं या फिर बरों में रहते हैं या फिर होल्स में रहते हैं ग्राउंड में, उसे हम लोग बोलते हैं टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। एलिफेंट लिव इन डेंस फॉरेस्ट। एलिफेंट कहाँ रहता है? घने जंगलों में रहता है। टाइगर, लॉयन एंड फॉक्स लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड। लॉयन, टाइगर और फॉक्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहते हैं। टाइगर एंड लॉयंस लिव इन डेंस। और जो टाइगर और लॉयंस होते हैं वो कहाँ रहते हैं? डेंस में रहते हैं। फॉक्सेस लिव इन होल्स मेड बाय देम इन द अर्थ। फॉक्स कहाँ रहते हैं? होल्स में रहते हैं, जो उन्हीं के द्वारा बनाया गया होता है उसमें वो लोग रहते हैं। कैमल, स्पॉटेड हाइना, ऑस्ट्रिच एंड सैंड कैट आर डेजर्ट एनिमल। और ये जो सारे जानवर हैं ना, ये डेजर्ट एनिमल्स हैं। दे लिव इन डेजर्ट, ये डेजर्ट्स में रहते हैं। हाइना मेक्स होल एंड स्लीप्स इन इट। हाइना क्या करता है? होल बनाता है और उसी में सोता है। पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, सी लायंस एंड आर्कटिक फॉक्स आर फाउंड इन एक्सट्रीम कोल्ड रीजन। ये सारे जो जानवर होते हैं ना, वो ठंडे जगहों पे पाए जाते हैं। दीज एनिमल कैन सर्वाइव ओनली इन फ्रीजिंग कोल्ड कंडीशन। और ये जानवर कैसे सर्वाइव करते हैं? सिर्फ फ्रीजिंग कोल्ड कंडीशन में ही ये लोग सर्वाइव करते हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है? गोट्स, हॉर्स, काउज एंड डियर्स आर ग्रास ईटिंग एनिमल। ये सारे जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, मीन्स घास खाते हैं। दे लिव इन ग्रास लैंड। तो ये कहाँ रहते हैं? ग्रास लैंड में रहते हैं। स्नेक्स, रैट्स एंड रैबिट्स लिव इन होल्स। स्नेक, रैट्स और रैबिट कहाँ पर रहते हैं? होल्स में रहते हैं। रैबिट्स लिव्स इन बरो। और रैबिट कहाँ पर रहता है? बरो में रहता है। डोमेस्टिक एनिमल आर कैप्ट इन शेल्टर्स मेड बाई मैन। डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? शेल्टर्स में रहते हैं, जो इंसानों ने बनाया हुआ होता है। काउज एंड बफेलोज आर कैप्ट इन शेड। और जो गाय और जो भैंस होती हैं वो कहाँ रहती हैं? शेड्स में रहती हैं। हॉर्स आर कैप्ट इन स्टेबल्स। और जो घोड़े होते हैं वो अस्तबल में रहते हैं। पिग्स आर कैप्ट इन स्टाय। और पिग्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? स्टाय में रहते हैं। एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट्स आर कैप्ट एट फार्म। और जानवर जैसे कि शीप या फिर गोट हो गए, वो कहाँ पर रहते हैं? फार्म्स में रहते हैं। फिर क्या दिया हुआ है? होम्स फॉर वाटर एनिमल्स। और जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? सम एनिमल्स कैन लिव ओनली ऑन वाटर। कुछ जो जानवर होते हैं वो सिर्फ पानी में ही रहते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। तो हम लोग ऐसे जानवर को क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स लाइक फिश, व्हेल्स, स्टारफिश, ऑक्टोपस एंड सी हॉर्स लिव इन वाटर। जानवर जैसे कि फिश, व्हेल्स, स्टारफिश, ऑक्टोपस एंड सी हॉर्स, ये कहाँ पर रहते हैं? पानी में रहते हैं। स्टारफिश लिव्स ऑन रॉक्स। जो स्टारफिश होती है वो कहाँ पर रहती है? रॉक्स पे रहती है, जहाँ सी में, जो समुद्र के अंदर जो रॉक्स होते हैं ना, उस पर रहती है। ऑक्टोपस टू लिव्स बिटवीन रॉक्स। ऑक्टोपस भी रॉक मीन्स पत्थरों के बीच में ही रहता है। फिश लीव्स अमंग एक्वेटिक प्लांट्स। और मछलियाँ जो होती हैं वो कहाँ पर रहती हैं? एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं समुद्र में, वो उन्हीं के बीच में रहती हैं। सम सीक शेल्टर्स इन कोरल्स टू। और कुछ जो अपना घर कहाँ बना लेती हैं? कोरल्स में भी वो रहती हैं। फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, क्रैब्स एंड टॉर्टोइज लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। और जो फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, क्रैब्स और टॉर्टोइज होते हैं ना, वो पानी में भी और ज़मीन में भी रहते हैं। ज़मीन पर भी और पानी में भी रहते हैं। तो सच एनिमल्स आर कॉल्ड एमिफिबियंस। तो ऐसे जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं? एमिफिबियंस। क्रैब, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज मेक होल्स ऑन रिवर बैंक्स और सी शोर्स टू ले देयर एग्स। हाउएवर दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर। जो क्रैब और क्रोकोडाइल और टॉर्टोइज होते हैं ना, वो
होल्स बनाते हैं रिवर बैंक्स में और सी शोर्स पे, तो ताकि वो वहाँ पे अंडे दे सकें, और हावेवर दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन वाटर, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पानी में ही बिता सकें। तो ये हमने मीन्स एक्वेटिक जो एनिमल्स जो पानी के जानवर होते हैं वहाँ तक हमें पढ़ लिया है। आप लोग यहाँ तक इसे रीड करिएगा और आगे का जो बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।